हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ समर्स में बनाई वाली दही मिर्ची, जो हाँ समर में हम लोग इसे बना के रख सकते हैं एंड साल भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में। दही डालने की वजह से मिर्ची का स्वाद जो है बहुत ही अलग हो जाता है, खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। इसको जस्ट आपको शैलो फ्राई करना है एंड कोई भी आपकी थाली के साथ में आप इसे एंजॉय कर सकते हो। नॉर्मल दाल चावल के साथ आप इसे खा लीजिए, रोटी सब्जी पराठा पूरी जो भी आप खाना चाहते हो उसके साथ में अगर आप ये मिर्च रख दोगे तो आपकी थाली में चार चांद लग जाएंगे। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी वाली मिर्च ली है, आप बड़ी छोटी जो भी मिर्च आपके पास अवेलेबल है उसे ले लीजिए। सिर्फ ध्यान एक चीज़ का रखना है कि आपको मिर्च बहुत तीखी नहीं लेनी है, अदरवाइज़ जो इसकी स्पाइसीनेस है वो और बढ़ जाएगी एंड फिर उसकी वजह से खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने यहाँ पे जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची आती है उसको ले लिया है, अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिए। अभी ये मिर्च को जो है आपको स्लिट करना है, स्लिट इन द सेंस आपको पूरा उसे जो है दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड करना है, बस हल्का सा इस तरीके से कट लगा लीजिए। सारी मिर्चियों में आपको सेम इसी तरीके का कट लगाना है एंड आपको इसका डंठल जो है वो उसे निकालना नहीं है, डंठल के साथ में ही इसको जो है आपको कट लगाना है। तो यहाँ पे जो है मेरी सारी मिर्चियों में कट्स लग चुके हैं। अभी ये मिर्ची के अंदर जो भी सीड है अगर आपको निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, बट नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे जो है एक बाउल में मैंने ले लिया है एक कप दही। ये जो दही है ये अच्छे से खट्टा वाला दही है, इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं है। इसी तरीके का खट्टा दही एंड लम्प फ्री दही आपको लेना है, कोई भी गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हींग, फिर आपको ऐड करना है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक एंड लगभग 1 टीस्पून या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐड करना है लहसुन। ये लहसुन को जो है मैंने ग्रेट कर लिया है, पेस्ट कर लिया है आप ऐसा बोल सकते हो। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए एंड उसमें बस मिर्ची को डुबो के रख दीजिए। सारी मिर्ची आपकी जो है दही के अंदर अच्छे से डूब जानी चाहिए, इस तरीके से आपको दही की क्वांटिटी जो है वो लेनी है। सारी मिर्चियों को इस तरीके से दही के अंदर डुबो के अभी इसको ढक के रख दीजिए। लगभग 24 आवर्स के लिए जो है आपको इसे ढक के रखना है, मतलब पूरा एक दिन, मिनिमम 12 घंटे एंड मैक्सिमम 24 घंटे जो है इसको इसी तरीके से ढक के रख दीजिए। ये जो है दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो मिर्चियाँ हैं इन्होंने अच्छे से दही जो है वो सोख कर लिया है, मिर्ची का हल्का सा कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इन सारी मिर्चियों को निकाल लेना है, कोई भी प्लेट में थाली में जैसे भी आपको निकालनी है उनको निकाल दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अभी इसे कोई भी बड़ी सी प्लेट में निकाल दीजिए। दही आपको नहीं निकालना है, बस ये मिर्चियाँ जो है यही आपको यहाँ पर निकालनी है एंड अभी इन मिर्चियों को जो है हमें रखना है धूप में। जब तक ये मिर्चियाँ एकदम अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है तब तक आपको इन मिर्चियों को जो है धूप में सुखाना है। इनको लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लगता है जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाती है। पूरी तरीके से ड्राई इन द सेंस इनका जो डंठल है वो अपने आप जब भी आप इसे हाथ से कट करने की कोशिश करेंगे तो ये कटक से टूट जाता है, इस तरीके का ड्राई आपको इन्हें बना लेना है। तो लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लगता है इस चीज़ को एंड उसके बाद में ये मिर्चियाँ जो है आप स्टोर करके कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो। जैसा मैंने पहले बताया, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पराठा जो भी चीज़ के साथ आप इसे एंजॉय करना चाहते हो कर सकते हो। हल्का सा शैलो फ्राई इसे कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी एंड बढ़िया लगते हैं। एज अ साइड डिश आप इसे एंजॉय कर सकते हो, साइड डिश इन द सेंस जैसे हम लोग चटनी या अचार वगैरह वो सारी चीज़ें खाते हैं वैसे ही आप ये मिर्च को भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी मिर्चियाँ थाली में निकालने के बाद में मैंने धूप में रख दिया है, लगभग 9 दिन में मेरी जो मिर्चियाँ हैं वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी थी।
तो ये सिंपल रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स भी इसमें आज सच कोई एकदम ऐसे अलग नहीं है जो आपके घर पे नहीं है, तो घर पे ही सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो इसे ज़रूर बना के देखिएगा। इस तरीके से आपकी मिर्चियाँ जो है वो बन जाती है। आई थिंक आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़, बाय।